भाई हमारे भारत में ये नियम है कि चाहे नारी कैसी होए पर जिसके साथ विवाह हो जाता है फिर उसका कद जो है उतना ही ऊंचा हो जाता है। कभी कभी आपने देखा सास उम्र में छोटी होती है और बहू बड़ी होती है। असली भाई सास नहीं, वो लग्गा तग्गा भाई होते कहा है, अगल बगल भाई। तो सास है गई छोटी और बहू है गई बड़ी, लेकिन कद तो ऊंचा है भाई, वो तो मानना पड़ेगा ना है। तो सास है बहू है 28 साल की और सास है 20 साल की। जब बहू पांव लगने के लिए आती है 28 साल की और 20 साल की जो नहीं, पांव लगने के लिए 28 साल की बहू जब जाती है पांव दबावे के लिए, तो सास आगे पांव कर देती है 20 साल की के लिए दबा, क्योंकि तो पांव तो बड़ी हूं ना मैं कदम है। लेकिन यहां तक तो ठीक है भैया, दिक्कत कहां आती है, परेशानी कहां आती है, जब पति डॉक्टर हो और पत्नी अंगूठा छाप। लेकिन गांव वाले क्या कहते हैं पिपेरा के सब, अरे डॉक्टर नहीं देगा, वो बेचारी सुई लगाए वो ना जानती, वो ये भी नहीं जानती पैरासीटामोल किस काम में आता है है? लेकिन नाम क्या पड़ गया डॉक्टर नी है। पति है प्रोफेसर, मास्टर है, पढ़ाता है, और वो बेचारी ये भी नहीं जानती कि ABCD क्या होती है पत्नी। लेकिन पूरा गांव का कह रहे है बोलो करो भाई मास्टर नी है। अब बाबा का अहंकार पच रहा है कि बिना पढ़े इतनी डिग्री तो वैसी मिल गई फ्री में है? तो जैसे महादेव के लिए ब्याई तो सती को भी लोग महादेवी कहने लगे, क्या महादेवी। अब पहले ही विष बहुत शेष था विष कन्या के दंश का, उस पर हमने और चूमली एक रूप की हीर कनी, पीर हो गई और घनी। यानी पहले ही बहुत अहंकार भरे परे कि मैं महादेवी हूं महादेवी हूं, लेकिन अगस्त जी ने पांव और धो डाले। अब आदमी को अहंकार रुके हो है? जब अगस्त जी ने पांव धोए तो सती का अहंकार और बढ़ गया। भैया उर्द की दार का पचाना बड़ा कठिन है, रोज नहीं खा सकते तुम उर्द की दार, लेकिन फिर भी कुछ कोई कोई पचा लेते हैं, रोज भी पचा सकते हैं ऐसे हैं। उर्द की दार भी पचाई जा सकती है, कटहल की सब्जी भी, अरई की सब्जी भी, बैंगन भी पचाए जा सकते हैं, लेकिन भैया सम्मान मिले कहूँ अनधिकारी व्यक्ति को अपात्र व्यक्ति को उसको पचाना बड़ा कठिन है, सम्मान नहीं पचता। सती पे सम्मान पचाई नहीं और वो तो बस अहंकार से फट पड़ी कि मेरे बताओ ऐसे ऐसे महात्मा मेरे पांव धो रहे हैं, आओ मैं तो बहुत ऊंचे उस पे पहुंच गई होदा पर। अच्छा एक बार एक बालक बोले हमसे, गुरुजी एक बात बताओ, बोले मास्टरनी मास्टर की होती है मास्टरनी, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूं मास्टर की क्या होती है मास्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी और डाकिया की, डाकिनी। तो अगस्त जी ने बड़ी प्यारी कथा सुनाई, लेकिन भैया वो व्यक्ति कथा को सुन ही नहीं सकता जिसकी मति पर अहंकार का पर्दा पड़ गया है। उसके सामने जस्ट सामने भगवान आ जाए तो भी वो भगवान को भगवान मानने को तैयार ही नहीं होता। जैसे कि परशुराम, भगवान स्वयं राम सामने खड़े हैं लेकिन परशुराम क्या कह रहे हैं कि तू मेरा सेवक कैसे हो सकता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे तूने तो मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया है, तू सेवक कैसे हो सकता है, तू तो मेरा सहस बाह सम सो रिपु मोरा। भगवान सामने खड़े हैं ना, लेकिन अहंकार का पर्दा पड़ा है, क्योंकि परशुराम जी बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े,
और तपस्वी तपस्या का अहंकार कर बैठे हैं। लेकिन राम जी ने एक छोटी सी बात कान में डाली कि भगवान हम तो काल से भी नहीं डरते हैं और इस बात को कोई साधारण पुरुष नहीं कह सकता।